भाई लोग और जो वीडियो देख रहे हैं उनकी बहन लोग, और जो वीडियो देख रहे हैं उनकी बहन लोग। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हेल्पफुल है सभी के लिए। आई होप आप मेरा थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि मैं आज के टॉपिक में क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज का जो है टॉपिक डाइट प्लान है। काफ़ी लो बजट में, काफ़ी कम प्राइस में आपको पर डे सिर्फ 7 रुपीज का लगेगा, और ये जो ऐसी डाइट है कि 100% आपको वेट गेन करने में, और वर्कआउट या आप वर्कआउट भी ना करते हो, अदर एथलीट्स में हो जिसमें रनिंग वगैरह जो भी स्पोर्ट्स में हो, या कोई स्पोर्ट्स भी नहीं करते तो उनके इम्यूनिटी पावर भी अच्छा इसमें बिल्ड होता है। तो ये जो है 3 चीज से बना है। सो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपसे। ये है हरा मूंग, चना और गुड़। ये सिर्फ 3 चीज़ों में इतना फ़ायदेमंद है। इसमें है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत चीज़ है जो कि इतना फ़ायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए। आपके जो अंकुरित है ये इससे और ज़्यादा होता है फ़ायदा, ये देख सकते हैं आप। इसको कितने देर में भिगाना है, कितने देर अंकुर आते हैं, इसी के ऊपर पूरा वीडियो है। और आपको कितना लेना है इसमें चना, कितना लेना है हरा मूंग, स्किप मत करिएगा। आगे पूरी जानकारी दिया हूँ मैं इस वीडियो में, और कितने बजे कितने टाइम में अच्छा रहता है इसको खाने के लिए वो दिया हूँ इस पे। तो आगे बढ़ते वीडियो में। आपको एक प्लेट या कुछ भी एक बर्तन लेना है जिसमें ऐसा चना भिगाना है, और देख सकते हो मैं आधा मुट्ठी चना लिया हूँ, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आधा मुट्ठी चना लेना है और आधा मुट्ठी हरा मूंग लेना है ये जो है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, 2-3 बार अच्छे से अगर वॉश करते हो तो जिस जो इसका पानी होता है भिगाए रहते हो उसको आप पी सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है जो इसमें निकल जाता है पानी में, तो उस पानी को पीने से भी काफ़ी फायदेमंद होता है। सो इसको अभी वॉश करके ला। अब वॉश हो गया और मैं इसमें पानी भी ले लिया, पानी को थोड़ा ज़्यादा ही रखा क्योंकि ये इसमें फूलने के बाद जो भीगने के बाद ये फूलता है तो इसमें पानी सोख लेता है, तो अगर पानी कम होने से ये पूरा ऊपर आ जाता है, तो पानी इसमें ज़्यादा ही लिया हूँ और अच्छे से वॉश किया हूँ ताकि इसका जो पानी निकलेगा उसको आप पियोगे तो इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और जो इसमें पानी में जितना हेल्प मिलता है उतना इसमें भी रहेगा। सो अब ये 7 घंटे में हो जाता है, अब 7 आवर्स के बाद मिलते हैं। सात घंटे हो चुके, देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से भीग गया, टूट भी जा रहा है। तो अब इसको अंकुरित करते हैं। अंकुरित करके खाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या आप ऐसा भी खा सकते हैं, पर मेरी माननी है अंकुरित करके खाने से बहुत उसमें फ़ायदा है। विटामिन ए, बी, सी एंड ई, ये सारे विटामिन इसमें मिले होते हैं। तो चलो अब इसको कपड़े में बांधते हैं। कि मैं ये क्लॉथ ले आऊँ, इसको आधा भिगा चुका हूँ पानी से, अब इस पे डाल सकते चना। देख सकते मैं आधा मुट्ठी लिया था तो ये कितना हो गया, तो आप अपने हिसाब से देख के लीजिएगा कि आपको कितना लेना है। और इसमें बहुत सारे पोषण तत्व मिले रहते हैं, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक, ये शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, और जिसको इसमें कब्ज़ की प्रॉब्लम है उनसे भी छुटकारा मिलता है, डायबिटीज़ के पेशेंट को भी इससे बहुत छुटकारा मिलता है। तो आप इसका सेवन अंकुरित चने का सुबह शाम कर सकते हैं, इसके काफ़ी लाभदायक है। अब इस कपड़े को एक जगह रख देते, 8 से 9 घंटे लगते हैं इसको अंकुरित होने के लिए। नौ घंटे हो चुके, ये पूरी तरीके से अंकुरित हो गया है, देख सकते हैं आप। तो भाई लोग और जो वीडियो देख रहे हैं उनकी बहन लोग, तो देख सकते हैं आप पूरे 9 घंटे में बहुत अच्छी तरीके से चना अंकुरित हो चुका है। अब इसका सेवन जो है सुबह के टाइम में करने से बहुत अच्छा रहता है, जो आपकी डेली रूटीन्स होती है, जो भी आपका शेड्यूल के हिसाब से वर्क रहते पर डे, उस वक्त आप अगर इसको मॉर्निंग से लेके स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी मिलती है। और इसके साथ गुड़ का सेवन करने से शरीर में और अच्छे लाभ मिलते हैं, आप
आपको, इससे अभी ठंड भी आ रहा है उस वक्त सर्दी जुकाम होने से शरीर को गुड़ का सेवन करने से बहुत अच्छा, शरीर में गर्मी रहती है, जुकाम ये सबसे दूर होते हैं। और जिसको ब्लड की प्रॉब्लम रहती है तो ब्लड भी से साफ होता है। और हाँ, गुड़ दो तरीके के आते, एक तो येलो और एक तो डार्क ब्राउन। तो जो बेटर है डार्क ब्राउन वाला बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से फॉलो करिएगा और ये ऐसे ही बनता है। और ये बहुत कम बजट में आपका पर डे का, जिसको वेट गेन करना है, काफ़ी हाई लेवल के हो जाते हैं डाइट प्लान्स की, उनको कम बजट में वेट गेन करने के लिए कुछ फॉलो अच्छे से नहीं कर पाते। तो आप ये वाले डाइट प्लान को बस फॉलो करिएगा, मैक्सिमम एक मंथ में जरूर 100% आपका अच्छे तरीके से वेट गेन होगा। अगर आपको इससे जुड़ी और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम, जो मेरी आईडी अभी यहाँ शो हो रही है, उस पर DM करके पूछ सकते हैं। मैं 100% आपके सवाल का जवाब दूंगा। एंड आगे भी इससे अच्छे और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा आपको किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए,